विराट कोहली ने टेस्ट की कप्तानी छोड़ने का ऐलान किया तो सबसे ज्यादा शॉक्ड हुए रोहित शर्मा। वही रोहित शर्मा जिनको विराट कोहली का उत्तराधिकारी देखा जा रहा है। आपको बता दें कि वनडे और T20 में विराट कोहली के बाद रोहित शर्मा ही कप्तान बनाए गए हैं। अब ऐसे में जब टेस्ट मैच की कप्तानी उन्होंने छोड़ी है तो एक बार फिर से नजर रोहित की तरफ है कि वो टेस्ट टीम के भी कप्तान बनाए जा सकते हैं। फिलहाल आपको बता दें कि विराट ने जैसे ही ऐलान किया रोहित शर्मा को उसके बाद रिएक्शन आया और वो बिल्कुल शॉक्ड हैं और विराट के इस फैसले से रोहित बिल्कुल ही परेशान और हैरान नजर आए हैं। आपको बता दें कि रोहित शर्मा ने इंस्टाग्राम पर विराट के इस फैसले पर अपना रिएक्शन देते हुए लिखा है, शॉक्ड लेकिन भारतीय कप्तान के रूप में सफल कार्यकाल के लिए बधाई, आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं विराट। तो जैसे ही रोहित शर्मा ने शॉक लिखकर और एक फोटो पोस्ट कर ये कैप्शन में लिखा, वैसे बाद लगातार इस पर प्रतिक्रियाएं भी आना शुरू हो गई। आपको बता दें कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के बीच के लेकर विवाद काफ़ी कहा जाता रहा है कि पिछले दिनों में रहा है, लेकिन विराट कोहली ने चीज़ें साफ की थी कि मैं हमेशा से कहता आ रहा हूँ कि रोहित शर्मा के साथ मेरा कोई भी विवाद नहीं है। ऐसे में जब रोहित शर्मा ने आज शॉक लिखकर विराट कोहली के इस फैसले पर हैरानी जताई तो सभी ने उसी चीज को एक बार फिर से याद करना शुरू किया कि अब तो रोहित शर्मा ही टेस्ट टीम के कप्तान होंगे और विराट कोहली अब टीम इंडिया में केवल बतौर प्लेयर खेलते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि रोहित शर्मा मौजूदा वक्त में चोटिल हैं और वो आगामी वनडे सीरीज जो कि 19 जनवरी से शुरू होने वाली है वहां पर उपलब्ध नहीं होंगे। उनकी अनुपस्थिति में केएल राहुल कप्तानी करते हुए नजर आएंगे और चोट के बाद वापसी करते हुए रोहित शर्मा श्रीलंका के खिलाफ कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल देखना होगा कि टेस्ट क्रिकेट में कप्तानी किसे दी जाती है, लेकिन रोहित शर्मा ने जिस तरीके से विराट के फैसले पर हैरानी जताई है उस पर आपका क्या कुछ कहना है अपनी राह हमें कमेंट कर जरूर बताएं।